हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अभी तक हमने क्या सीखा था कि 2 नंबर का हमने एचसीएफ निकालना सीखा था बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लेकिन इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर तीन नंबर दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से इसे सॉल्व कीजिए, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया कि फाइंड एचसीएफ ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द नंबर 120, 144 एंड 160। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी 3 नंबर देखिए और उसका एचसीएफ निकालने के लिए बोले, तो क्या कीजिए, पहले दो जो स्मॉलर नंबर है उसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो लिखेंगे 144 सॉल्यूशन, 144 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां हो जाएगा 120, कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 24। ठीक है, अब निकाल के देखिएगा, रिमाइंडर 24 बचेगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो बी है वो हमारा ए बन जाता है, 120 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से कितना आ जाएगा, यहां से जाएगा 24 इंटू, अब यहां से क्या करें हम, यहाँ पे 120 आएगा, अब देखिए इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई जब करें, 5 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें 120 मिल जाएगा। देखिए 24 इंटू 5, 20 कैरी टू 10 और 12। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा है, यहां से रिमाइंडर 0 बचा, तो मतलब इसका एचसीएफ हमें कितना मिल गया, इन 2 नंबर का एचसीएफ हमें मिला 25, कितना मिला है, तो एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 कितना मिला है, 24। ठीक है, अब क्या करना है, इसका और इसका एचसीएफ निकालना है, जो हमारा आया है और जो में गिवेन क्वेश्चन में गिवेन नंबर है, उन दोनों का एचसीएफ हमें निकालना है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, 160 इज इक्वल टू 24 इंटू, अब देखेंगे इससे हम कितने टाइम में मल्टीप्लाई करने पर इसके पास जा रहा है, फिर एग्जैक्टली से चला जा रहा है, कंप्लीटली चला जा रहा है। तो देखिए जब देखेंगे तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसके जस्ट पास पहुंच जा रहे हैं, और रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां पर रिमाइंडर बचेगा हमारा 16, यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 रिमाइंडर बचने वाला है। अब क्या हो जाएगा, 24 यहां आ जाएगा, 24 हमारा यहां आ जाएगा इज इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 इंटू, अब देखिए 1 टाइम में जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर यहां से बचेगा 8 रिमाइंडर बचने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 यहां आया और ये 8 इंटू 2 टाइम हम देख रहे हैं, 2 टाइम में कंप्लीटली चला जा रहा है, तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो अब यहां से हमारा फाइनली हम जो एचसीएफ लिखेंगे 3 नंबर का कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 120, या फिर हम इसको ना लिख के बस ऐसे लिख दे, एचसीएफ ऑफ 120, 144 एंड 160 इज इक्वल टू 8। तो यहां से हमारा ये आंसर डन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं, था इसी के हेल्प से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए जैसा कि हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन है कि इफ डी इज एच सी एफ ऑफ 65 एंड 117 एंड डी इक्वल टू 65x प्लस 117y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, अगर d हमारा इन 2 नंबर का एचसीएफ हो और d इज इक्वल टू इतना हो, तो मतलब हम पहले क्या करना है कि d इसका एचसीएफ निकालना है, फिर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में से लिख देना है, फिर बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आइए सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 117 इज इक्वल टू 65 इंटू, अब देखिए कितने टाइम में जाएगा, तो हम क्या करेंगे 65 को डिवाइड करेंगे 117 में, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा 65, यहां से कितना आ जाएगा 2 और यहां से आ जाएगा 5, तो कितना मिल गया इंटू 1 प्लस का 52 मिल गया।
अब फर्दर क्या हो जाएगा, जो हमारा 65 जो बी है वो हमारा ए हो जाता है, तो ए बन गया ए इज इक्वल टू, जो हमारा रिमाइंडर वो क्या हो जाता है बी इंटू। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम 52 में 65 में डिवाइड करेंगे 52 से, तो 65 डिवाइड बाई 52, ए भी कितनी टाइम में जाएगा, वन टाइम में जाएगा 52, यहां से कितना जाएगा 3, यहां से 1, तो एलसीएम क्वोशेंट आया 1 और रिमाइंडर आया 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, 52 हमारा ए बन जाएगा और 13 हमारा बी बन जाएगा इंटू। अब देखिए देख रहे हैं कि इसको 4 टाइम में डिवाइड करने पर 52 हमारा कंप्लीटली चला जा रहा है, कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में जाएगा 52, रिमाइंडर बचेगा 0 प्लस का 0, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एस सी एफ ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू 13, कितना आ गया 13, मीन्स हमें डी की वैल्यू मिली है, डी इज इक्वल टू कितना है 13। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू 65x प्लस का 117y, ठीक है। देखिए यहां पर x और y की वैल्यू दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक है हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है कि हम बाय प्रोसेस से चलेंगे कैसे हम निकालें, ठीक है। पहले हीट एंड ट्रायल मेथड के लिए क्या करते हैं, हम x और y की कुछ वैल्यू अपने से हम रख लिख के देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने दोनों वैल्यू पॉजिटिव लिया, अगर हमने दोनों वैल्यू पॉजिटिव लिया तो नंबर राइट हैंड साइड क्या होगी, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव नहीं लेना है, एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव। तो आइए हम पहले को नेगेटिव लेकर देख लेते हैं, -1 और इसको ले लेते हैं प्लस का 1, -1 एंड प्लस का 1, ठीक है। जब -1 एंड प्लस का 1 लेंगे तो यहां पर रखेंगे कितना जाएगा, ये माइनस का 65 हो जाएगा, प्लस का 117 माइनस का 65 कितना जाएगा 52, लेकिन हमें लाना कितना था 13, तो ये हमारे यहां से नहीं हुआ। अब अगर हम इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, हमें माइनस का 52 मिलने वाला है, इसका मतलब हमारे इससे काम नहीं बनना है। तो अब क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, एक्स की वैल्यू हमने 2 ले लिया और वाई की वैल्यू माइनस का 1 ले लिया, ठीक है। एक्स वैल्यू 2 लेंगे तो 65 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, और माइनस कर देंगे 117 कितना आ जाएगा, यहां से 3 यहां से 2 1 13, तो हमें मिल गया 13। इसका मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड से देखिए 3 टाइम में हमें मिल गया, यहां से हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 1, ये है हीट एंड ट्रायल मेथड से। अब इसके बाद चलते हैं प्रोसेस, अगर हम निकाले तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस से क्या करना है आपको, जहां पर आपको एचसीएफ मिल जाता है, जैसे एचसीएफ हमारा 13 मिला है, इसका एचसीएफ कितना है 13, तो वो वाली लाइन हमें सर्च करनी है जहां पर रिमाइंडर 13 आया हो, तो रिमाइंडर 13 इस लाइन में 13 आया तो हमें इस लाइन को मार्क कर लेनी है, इसी लाइन से हमें स्टार्ट करना है इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हम इसको कुछ पलट के लिख दे रहे हैं, 52 × 1 प्लस का 13 इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट करनी है, जहां से हमें एचसीएफ मिल जाए, जितना एचसीएफ मिला है, और देखेंगे वो लाइन की रिमाइंडर में कहां वो हमारी वैल्यूज है, तो हमारी सेकंड वैल्यू देखिए 13 में एचसीएफ मिला और रिमाइंडर में 13 सेकंड लाइन में है, तो हमें इसी लाइन से उठानी है, ठीक है। और आपको कुछ इस फॉर्म में लाना है, देखिए तो इसका मतलब 65 तो आ गया, क्या आ गया 65 हमारा आ गया, अब किसको लाना है, 117 को लाना है, तो देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड कितना है 13, तो बाकी की वैल्यूज को हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड शिफ्ट करने वाले हैं, तो कितना देगा इंप्लाइज हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 65 माइनस, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 52 × 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 52 लिखे 52 × 1 लिखे। अब क्या करेंगे, देखिए हमें इसकी जरूरत है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है 65x प्लस का 117y है, तो क्या करेंगे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे कहां से, इसके ऊपर वाले वैल्यू से, ठीक है। तो देखिए 52 को हम कितना लिख सकते हैं 117 माइनस का 65 लिख सकते हैं, यहां से इंप्लाई जाएगा 13 इज इक्वल टू 65 माइनस, क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं इसलिए हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। 117 माइनस का कितना हो जाएगा 65 लिख सकते हैं इतना, अब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 65 माइनस का 117 अब प्लस का 65। अब देखो इसको ऐड नहीं करना है, आपको ऐड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमें इतना लाना है 65, तो हम देखिए इसको 2 टाइम तो लिख सकते हैं, 2 टाइम हमें दिख रहा है, तो हम लिख देंगे 13 इज इक्वल टू 2 × 65 माइनस का 117, ठीक है। अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 13 इज इक्वल टू 2 × 65
अब प्लस या फिर हम प्लस का लिख सकते हैं माइनस वन 117 लिख सकते इतना। अब दोनों को हम इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते इक्वेशन सेकंड। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हमारा आ गया। तो आपको जो मेथड लगाना है आप वो मेथड लगा लेते लगा सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें डेफिनेटली आपको करेक्ट आंसर आएगा। हिट एंड ट्रायल में हो सकता है कि आपका फ्लक्चुएट करे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो देखिए एक बार फिर से इसको समझा देता हूं कि कहां से आपको स्टार्ट करना है लीनियर कॉम्बिनेशन और कहां से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जहां से हमारा डी आ जाएगा मतलब हमारा एचसीएफ आ गया एचसीएफ, तो देखेंगे जो एचसीएफ आया है वो रिमाइंडर में कहां हमें मिल रहा है, तो रिमाइंडर हमें इस सेकेंड लाइन मिला। मे बी अगर ये बड़ा प्रॉब्लम होता तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन में मिलता, तो हमको वही लाइन सेलेक्ट करनी है जहां पर रिमाइंडर का क्या आया हो, एचसीएफ आया हो। ठीक है, तो हमने सेकेंड लाइन को सिलेक्ट किया, हमने सेकेंड लाइन को रिवर्ट करके लिख दिया, ठीक है, लेफ्ट को राइट लिख दिया, राइट को लेफ्ट लिख दिया। अब हमें चाहिए था लेफ्ट में 13 चाहिए था, लेफ्ट में कितना चाहिए था 13, तो हमने लेफ्ट में 13 रखा, बाकी जितने भी वैल्यूज थे हमने उसको भेज दिया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड देख रहे हैं तो इसके भी राइट हैंड साइड 65 है, इसके भी राइट हैंड 65 है, तो 65 को आपको छेड़ना नहीं है, आपको इसमें चेंजिंग करना है 52 में चेंजिंग करना है। तो 52 की वैल्यू हम कहां से ला सकते हैं, 52 की वैल्यू इसको ऊपर वाले लाइन में देखिए 52 में आया हुआ है, तो 52 को इधर लिखेंगे, बाकी सब वैल्यू पे क्या करेंगे हम इधर भेज देंगे वैल्यू, ये पॉजिटिव इधर गया नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वही हमने लिखा 117 माइनस का 65। ठीक है, अब इसके बाद इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा 65 into, प्लस 65, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम 65 और माइनस का 117। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि 65 भी आ गया और 117 भी आ गया, बस क्या करना है कि हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, प्लस लगाया और माइनस 1 into 117, तो यहां से हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप वहां पर अपना सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकते हैं, इससे मैं चेक कर सकूं कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।